सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए। कैसे हो आप लोग, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करो, ईमेल आईडी थ्रू लॉग इन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन जो घंटे का आइकन उसको जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआई करने के बाद आप विदेश में फॉरेन में कैसे नौकरी पाएं या फॉरेन में कितना स्कोप है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आईटीआई जो है वो इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी खासी डिग्री है जो डिप्लोमा के लेवल का ही है, समझ लो एक तरह का डिप्लोमा, आईटीआई भी एक डिप्लोमा ही है। और आईटीआई करने के बाद मैं बता दूं किन किन कंट्रीज में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, बहरीन हो गया और दुबई हो गया, इन सब जगहों पे आपको आईटीआई करने के बाद बहुत अच्छी खासी स्कोप है। मेरे एक दो दोस्त हैं जो यूएस में हैं, उन्होंने आईटीआई नहीं किया था लेकिन पॉलिटेक्निक किया हुआ था और पॉलिटेक्निक करने के बाद वो लोग गए यूएस में, बहुत अच्छा खासा स्कोप है। एक फ्रेंड आईटीआई करके बहरीन में है, बहरीन में भी बहुत अच्छी खासी पैसा कमा रहा है वो। उसके बाद कई और सारे फ्रेंड हैं, कई सारी कंट्रीज में गए हुए हैं। तो मतलब हमें लगता था कि आईटीआई नहीं करके बाहर के स्कोप नहीं मिलेंगे, बाहर भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। इंडिया में आपकी सैलरी का 5 गुना बाहर सैलरी है, लेकिन हाँ ये आपको डिसाइड करना होगा कि कंपनी सही है या गलत है या कंपनी कैसी है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। जो आपका वो पासपोर्ट और उसका वीज़ा जो कंपनीज भेजती है वीज़ा के लिए, उसमें सबको आपको डिटेल फिल होती है कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। बट हाँ स्कोप इंडिया से बेटर है बाहर। और जैसे आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड होते हैं, क्योंकि जो फॉरनर होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, उनको लगता है कि जो बंदा काम कर रहा है उसको रखो और सैलरी दो और जो बंदा नहीं कर रहा है उसको बाहर निकालो, खत्म कहानी। तो अगर आपको बाहर जाने का है कि आईटीआई करके मुझे बाहर जाना है, तो सबसे पहले अपना नॉलेज जो ये है ब्रेन, उसको बहुत स्ट्रांग करो, नॉलेजबल बनाओ। जितना नॉलेजबल आप बनाओगे आपका उतना फायदा हो। अगर आपका नॉलेज में कमी रह गई तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे। मैंने हमेशा कहा है डिग्री की नहीं ज्ञान की पूजा होती है। अब वो दिन भूल जाइए आप जब डिग्री की पूजा होती थी। ज्ञान नहीं है तो डिग्री लेके कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप बेकार हो। डिग्रियां गिराने से कुछ नहीं होता, डिग्रियां आपको महान नहीं बनाती हैं, आपको नॉलेज ही महान बनाता है। और आईटीआई करने के बाद अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे पहले अपने नॉलेज को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आईटीआई करने में बाहर जाने के लिए आपको ऑनलाइन भी एप्लीकेशन एलिजिबल होता है, ऑनलाइन बहुत सारी पोर्टल्स हैं जैसे naukrigulf.com है, इस पे इसके थ्रू भी naukrigulf.com के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी जॉब में। उसके बाद बहुत सारे चैनल भी अब तो यूट्यूब पे आ गए हैं जो दुबई के जॉब के बारे में बताते हैं, और वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी जॉब्स होती हैं। बट ये ध्यान रहे कि आप आईटीआई किए हो तो आईटीआई में जाओ, भटकना मत कभी पैसे के लालच में कि आईटीआई किए हैं तो पता चला चपरासी की नौकरी के लिए चले जाए, ऐसा कभी मत करना, बहुत पछताओगे और बहुत रॉन्ग होगा। तो जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जाओ, भले थोड़ी सी सैलरी कम हो, एक फॉरेन का एक साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने लगेगा, 4 चांद लगा देगा आपके करियर में। तो विदेश जाना अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे इंडिया से बाहर जाके पैसे कमाना है तो जाओ, लेकिन पहले इंडिया में एक्सपीरियंस नॉलेज सब ले लो तब जाओ। मैं एक बात और बता दूं, फॉरेन में उन्हीं को जॉब मिलती है जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, नॉलेजबल बंदे होते हैं, क्योंकि उनके कई राउंड इंटरव्यू होते हैं, एक राउंड में कभी वो फाइनलाइज नहीं होते हैं कि एक राउंड दे दिया वो फाइनलाइज हो गए। तो कई राउंड इंटरव्यू करने के बाद आप फाइनलाइज होते हो कि नहीं आप जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप सही कैंडिडेट हुए तो आपको अच्छी खासी पे आउट पे रख लिया जाएगा और आपकी लाइफ एक नए तरीके से चलने लगेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।